दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में, तो आप वन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को ही सजीव मानते होंगे, परंतु प्रकृति सभी जीवों को सजीव मानती है। प्रत्येक जीव का जन्म हुआ है और प्रत्येक वस्तु का जन्म हुआ है, चाहे वो पहाड़ हो चाहे हमारी पृथ्वी हो, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये भी एक अटल सत्य है। तो आज हम जानेंगे कि यदि हमारी पृथ्वी का अंत होगा तो कैसे होगा। इसका सही अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया है, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी थ्योरीज बताएंगे कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। यह थ्योरी 100% सच नहीं है, परंतु फिर भी यह हमें एक झलक दे सकती है कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह होगा। और आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे तथ्यों के बारे में जो कि हमें बताएंगे कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से होगा। नंबर एक, क्षुद्र ग्रहों का टकराव। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड। पहले हम जानेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है और ये ब्रह्मांड में कहां पर है। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड वह पत्थर है जो कि ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और जो कि हमारे सौरमंडल की ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैसे तो ये पूरे ब्रह्मांड में है, पर दोस्तों हमारे सौरमंडल में है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जिसमें करोड़ों एस्ट्रॉइड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा एक एस्ट्रॉइड जो कि माना जाता है कि धरती से 2036 में टकराएगा, जो कि 300 मीटर चौड़ा है। यूं तो इसका आकार काफी छोटा था, पर अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो इतनी ऊर्जा पैदा होगी जो कि एक एटम बम से लगभग 1,00,000 गुना ज्यादा होगी, जो कि धरती पर जीवन नष्ट करने के लिए काफी होती है। हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान उसके समय को लेकर गलत निकला और वह एस्ट्रॉइड 2013 में पृथ्वी से टकराए बिना निकल गया। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एस्ट्रॉइड जिसकी व्यास यानी डायमीटर 20 से 80 किलोमीटर का हो, वह धरती से टकराए तो धरती के पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूम रहा है, उसका डायमीटर लगभग 525 किलोमीटर है। और आप बिल्कुल इससे भली भांति समझ सकते हैं कि धरती पर डायनासोर का अंत भी एक एस्ट्रॉइड के टकराने से हुआ था। एक इतना विशाल जीव जब समाप्त हो सकता है, तो बाकी जीवों का तो आप समझ ही सकते हैं। नंबर दो, ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी के फटने से धरती पर जीवन को बहुत बार अस्त व्यस्त किया है और काफी बार भारी भरकम नुकसान भी पहुंचाया है। माउंट तंबोरा ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में है, उसने सन 1816 अप्रैल में महीने में बड़ी तबाही मचाई और उसने लगभग 92,000 लोगों को अपने काल में ले लिया। और उसके फटने से ज्वालामुखी की लंबाई 13,000 फुट से घटकर लगभग 9,000 फुट रह गई थी। और इस ज्वालामुखी का असर सिर्फ यही 92,000 मौतों तक सीमित नहीं रहा। इसके फटने से आसमान में रही गैसों के कारण वातावरण में तापमान कम रह गया और जिससे कई फसलें नष्ट हो गई, जो कि 1,00,000 लोगों की मौत का कारण बनी। दोस्तों, यह तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए, अगर नॉर्मल ज्वालामुखी की जगह पर एक सुपर वॉल्केनो भी कभी फट जाए तो क्या होगा। सुपर वॉल्केनो के फटने से भारी तबाही होगी, जहां नॉर्मल वॉल्केनो में लगभग 1 किलोमीटर क्यूब का मैग्मा होता है, वहीं सुपर वॉल्केनो में लगभग 1,000 किलोमीटर क्यूब तक मैग्मा होता है। मैग्मा पिघले हुए पत्थर से बनता है जिसका तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सुपर वॉल्केनो के फटने से एक बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे, जो कि सूर्य की किरणों को धरती पर आने से पहले तक रोके रखेंगे और धरती पर जीवन का अंत हो सकता है। नंबर तीन, नष्ट होते सितारे। यूं तो रात में टिमटिमाते हुए सितारे बड़े सुंदर लगते हैं, पर यह भी धरती पर जीवन नष्ट होने का कारण बन सकते हैं। जब दो नष्ट हुए सितारे आपस में मिलने लगते हैं तो वह गामा किरणों का एक सुपर गामा बनाते हैं, जो कि इतने शक्तिशाली और चमकदार होते हैं कि हमारी धरती को कुछ पल में ही नष्ट कर सकते हैं। हमारी धरती ही नहीं, वह अपने दायरे में आने वाली हर चीज को कुछ सेकंड में नष्ट कर सकते हैं। वैसे ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया होती रहती है, पर यह प्रक्रिया धरती से बहुत दूर होती है, इसलिए हमारी धरती और सौरमंडल पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। इन दो नष्ट होते सितारों के मिलने से इतनी गामा किरणें निकलती हैं, जिनकी ऊर्जा हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होगी। और अगर यह प्रक्रिया धरती से 1,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो, तो धरती इसकी रोशनी से पल भर में भुन जाएगी और पृथ्वी पर जीवन के अंत के साथ साथ खुद पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। एक प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है जितनी दूरी प्रकाश एक साल में पूरी करता है, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। नंबर चार, बिग क्रंच थ्योरी।
जैसा कि हम सभी जानते कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और यह फैलना कब बंद होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। पर अगर हम बिग क्रंच थ्योरी के साथ चलें तो एक समय ऐसा आएगा कि ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा और इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते वह छोटे से बिंदु में समा जाएगा और पृथ्वी के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। पर इस प्रक्रिया को होने में भी बहुत समय लगेगा जिस समय हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और जब यह समय आएगा तो प्रक्रिया भी इतनी जल्दी होगी कि इससे बचा नहीं जा सकेगा और यह संसार समाप्त होने के बाद एक नई दुनिया शुरू होगी और ब्रह्मांड यह बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया हमेशा से ऐसे ही चलती रहेगी। पर दोस्तों, इस थ्योरी के विपरीत एक और थ्योरी दी जाती है जिसे हीट डेथ के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कभी भी फैलना बंद नहीं होगा और इतना फैलता जाएगा कि सारे ग्रह, सितारे, सूर्य, आकाशगंगा एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सितारों और सूरज के दूर जाने की वजह से हमारी पृथ्वी में हमें पर्याप्त गर्मी यानी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ब्रह्मांड फैले या सिकुड़े दोनों ही तर्कों में पृथ्वी का अंत निश्चित है। नंबर 5, सूर्य पर होने वाले विस्फोट। सूर्य पर हमेशा अलग अलग तरह के विस्फोट होते रहते हैं और उसमें से एक है सोलर फ्लेयर, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन भी कहा जाता है। ये ऐसे चुंबकीय विस्फोट हैं जिनके कारण उपपरमाणविक या सब एटॉमिक पार्टिकल धरती पर पहुंच जाते हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर देते हैं और हमारे ग्रह की सारी बिजली और टेक्नोलॉजी को ठप कर सकते हैं। यह सारा काम इन विस्फोटों से निकले उपपरमाणविक या सब एटॉमिक पार्टिकल करते हैं, जो सूर्य से निकलकर पृथ्वी की तरफ लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आते हैं। यूं तो यह हमेशा सूर्य से निकलते रहते हैं, पर हमारी धरती का चुंबकीय क्षेत्र हमें इनसे बचाता आया है। पर अगर कोई सोलर फ्लेयर ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है। वह हमारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर सकता है और हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को ठप कर सकता है, और जिसके कारण पूरे पृथ्वी ग्रह पर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा और हमारा ग्रह धीरे धीरे मौत के आगोश में अग्रसर होता रहेगा। इन विस्फोटों से निकलने वाली आवाज जो कि रिकॉर्ड की गई है वह कुछ ऐसी है, सुनिए। तो दोस्तों, यह थी 5 थ्योरीज जो कि हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।